वेलकम है गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक बुक पे H11 अल्ट्रा प्लस आ चुकी है मेरे पास। और देखते हैं यहाँ पे H11 अल्ट्रा प्लस में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। वॉच आपको 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिलती है, और आपको और डिस्काउंट चाहिए तो टेक बुक 5 आप यूज़ करो तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा 5% का, ठीक है। इस तरीके से बॉक्स मिलता है, इसके ऊपर एक पॉलिथिन तो मैंने वो उतार दी है। फिलहाल इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे इस तरीके की अनबॉक्सिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेक बुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपका मिल जाता है ये एक पैम्पलेट, इसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी विस्तार से इसमें दिया गया सब कुछ। और गाइस ये रिवॉच इटसेल्फ, और यहाँ पे ये रहा स्ट्रैप, स्ट्रैप अलग से रखा हुआ है, इसको आपको चढ़ाना पड़ेगा। और ये आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है, ठीक है, चार्ज करने के लिए। इसको रखते हैं साइड में, मेन वॉच पे आते हैं। तो वॉच इस तरीके से मिलते हैं, वॉच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाइस। यहाँ पे 2 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और 425 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन, इसका रिजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। और पूरा का पूरा एल्युमिनियम केसिंग मिल जाती है आपको इसमें, जो कि इसको बहुत ही अच्छा बनाती है लुक एंड फील में। और साथ ही में यहाँ पे आपको पीछे की साइड डेडिकेटेड, ये देखो यहाँ पे नट्स दिए गए इधर की साइड से, मतलब प्रॉपरली। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्लास्टिक का आपको दिया गया, बट ये प्रॉपर आपको मिल जाता है। और क्या इसमें टेम्परेचर मॉनिटर मिलता है, देखिएगा इस डेडिकेटेड यहाँ पे वो भी दिया गया है, टेम्परेचर सेंसर भी, तो ये अच्छी बात है। यहाँ 50 ATM तक वाटर रेस्ट नहीं है जी, IP67 है बेसिकली, ठीक है। और ये क्लिकेबल बटन मिलते हैं, ये भी क्लिकेबल है, और यहाँ पे रोटेट भी करता है, और यहाँ पे एक्शन बटन मिल जाता है आपको इसमें, ठीक है। तो गाइज़ इसको हम इसमें चलाते हैं। वैसे स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है आपको जो अदर वॉचेस में मिलती है, जैसे कि HK8 Pro में मिल जाती है, उस तरीके से इसमें भी देखने को मिलती है। स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और इसको हम निकाल लेते हैं, फिर हम इसको चढ़ाते हैं, हाथ पे देखेंगे कैसी लगेगी। वैसे वॉच लास्ट मीडियम रिस्ट के लिए बहुत अच्छी लगेगी, बट थिन रिस्ट पे थोड़ी सी ऑड लगेगी गाइस डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी भी है ये वॉच उस हिसाब से, यहाँ पे लग चुकी है। और पूरा का पूरा वो हो जाती है यहाँ पे, क्लैप्स हो जाती है और निकलती नहीं है, यहाँ पे लॉक मैकेनिज्म मिलता है बेसिकली आपको, ठीक है। और यहाँ पे इधर साइड से ना हो रहा हो तो इधर से आपको कर लेना है, और यहाँ पे प्रॉपरली स्नग फिट हो चुकी है, ठीक है। अब गाइस सबको साइड में रखते हैं और अपनी वॉच पे आते हैं डायरेक्टली। गाइस वॉच की क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है डेफिनेटली यहाँ पे, और ये आपके लास्ट मीडियम इसके लिए परफेक्ट है, बट थिन डिस्प्ले अच्छी लगेगी यहाँ पे, तो बहुत अच्छी लग रही है वैसे भी। और इसको चलिए ऑन करते हैं, होपफुली इसमें बैटरी हो। यहाँ पे हम टैप एंड होल्ड करते हैं, तो गाइस ऑन नहीं हो रही है, नीचे वाले से ऑन करते हैं, इस बटन से हो चुकी है, हेलो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, और यहाँ पे सीधे होम स्क्रीन पे आ चुकी है। यहाँ पे वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, और बिल्कुल भी यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही, साइलेंट है एकदम, तो ये बहुत अच्छी बात है। सिमेट्रिकल बेजल्स मिलती है आपको, देख सकते हो यहाँ पे चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, यहाँ पे कोई भी बेजल किधर की आपकी बड़ी नहीं मिलती। और यहाँ पे इस तरीके से पर्टिकुलर वॉच फेस का भी आप वो चेंज कर सकते हो लुक इस तरीके से, काफ़ी ये मेरे को यूनिक लगा कॉन्सेप्ट इसका, देख सकते हो वहाँ पे, ये तो चेंज नहीं होगा एक्चुअली, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। स्क्रीन क्वालिटी अच्छी है यहाँ पे, TFT पैनल दिया गया है, और यहाँ पे मेन्यू स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, आई वॉच या वो वाला, ब्राइटनेस वगैरह ये आपके फुल मिल जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और ये एक्शन बटन काम करता है क्या, देखते हैं यहाँ पे टैप करके, ये स्पोर्ट्स मोड खुल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लैग नहीं कर रही है वॉच, ये अच्छी बात है। यहाँ पे टैप करके यहाँ पे आपका रीसेंट मेन्यू खुल जाता है, और यहाँ पे टैप करके आपका आई वॉच वाला मेन्यू खुल जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फास्ट है। डबल टैप करके यहाँ पे चेंज होता है क्या, नहीं होता है, तो आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से। अब आपका इस तरीके से आप यहाँ पे वो कर सकते हो, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं, आपको ब्लूटूथ मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे जो UI है वो चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लॉक का ऑप्शन जाता है, अब ये लॉक हो चुकी है। अब लॉन्ग प्रेस द डाउन बटन, इसको आपको डाउन बटन को प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस, उसके बाद ये अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको TNT मोड मिल जाता है, और यहाँ पे आपका स्विच मिल जाता है, मतलब वाइब्रेशन ये वाला, तो कैसे अच्छी बात है। नीचे साइड से मैसेज नोटिफिकेशन, राइट साइड में आपको शॉर्टकट मिल जाते हैं सारे के सारे, देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे इवन आप और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, और म्यूज़िक प्लेयर यहाँ पे और ऐड कर सकते हो इधर की साइड से, स्पोर्ट्स है, SP2 है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग है, तो ये सब आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, और स्प्लिट स्क्रीन में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आप जो बिजनेस कार्ड है वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, रख सकते हो। नीचे की साइड से मैसेज नोटिफिकेशन है। अब सारी की सारी चीज़ें चेक करते हैं इस वॉच की, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं इसकी वॉच की, जो है स्पोर्ट्स मोड की, वॉकिंग करके देखते हैं यहाँ पे, 50 स्टेप चल के देखते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी कैसी क्या मिलती है इस वॉच की। सो 50 स्टेप्स मैंने चल लिए यहाँ पे, और QR कोड आ चुका है, और यहाँ पे आपका 39 स्टेप्स दिखा रहा है, तो गाइस एक्यूरेसी इसमें बहुत अच्छी नहीं मिलती आपको, यहाँ पे बिलो एवरेज मिलती है। और यहाँ पे QFit एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है इस वॉच के लिए बेसिकली। तो गाइस यहाँ पे आप मेन चीज़ चेक कर लेते हैं, स्पोर्ट्स मोड हमने चेक कर लिया, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड यहाँ पे शो करता है, ये रहा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, हार्ट रेट डेडिकेटेड सेंसर तो होगा नहीं, ग्रीन एक्शन का सेंसर जरूर मिल जाता है इसमें आपको। ओवर टू द एयर यहाँ पे नहीं बता रहा है, अच्छी बात है। इसको भी एक बार ओवर टू द सर्फेस भी चेक कर लेते हैं, एक बार बताता है कि नहीं बताता, तो गाइस ओवर टू द सर्फेस बता देगा मुझे लग रहा है यहाँ पे,
यस 2500 रुपये मेरे को ठीक लग रहा है वैसे, मतलब बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लुक और फील एकदम एप्पल वॉच सीरीज से अल्ट्रा की तरह मिलता है आपको, बट यहाँ पे एक्यूरेसी डाउन है डेफिनेटली, हो टू द सर्फेस यहाँ पे बता दे रहा है। उसी के साथ साथ आपको SP2 का मॉनिटर मिल जाता है, SP2 के लिए डेडिकेटेड सेंसर है क्या? नहीं, ग्रीन एक्शन का ही सेंसर मिलता है, स्टेप्स काउंटिंग है, कंपस मिल जाता है यहाँ पे आपको, और स्लिम मॉनिटर मिल जाता है साथ में, यहाँ पे डायल करने का ऑप्शन मिलता है, अभी हम पेयर करेंगे फ़ोन के साथ, कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो, कैलेंडर मिल जाता है इसमें आपको, ये अच्छी बात है, वेदर अपडेट्स हैं, कैमरा शटर है, म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, अगर आपको स्टोर करने वाला चाहिए ऑप्शन तो आपको हलो वॉच 2 लेनी पड़ेगी। वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है और ये पोजीशन यहाँ पे अलार्म आप इन द वॉच इटसेल्फ आप लगा सकते हो, यस, और साथ में यहाँ पे स्टॉप वॉच है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग ऑप्शन है, कैलकुलेटर मिल जाता है, और गैस गेम्स भी हैं इसमें, यस गैस, जो आपको अदर वॉचेज में नहीं मिलते वो आपको इसमें देखने को मिलता है, गेम मिलता है, रेस्ट वे का ऑप्शन मिल जाता है, फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है, ब्राइट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी रहती है इसमें, मतलब एक्सट्रीम पावर कंजप्शन रहेगी इसमें, TFT LCD पैनल है तो यहाँ पे आपका बैटरी बहुत ज़्यादा जाएगी अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखते हो। टेम्परेचर मॉनिटर भी देखने को मिल जाता है इसमें आपको, इस तरीके से आप मेज़र कर सकते हो इस पर हाथ रख के, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, इसको हटाते हैं। बिजनेस कार्ड मिल जाता है और ये सारा बिजनेस कार्ड यहाँ पे आप रख सकते हो, और QR कोड लास्ट में मिल जाता है। सेटिंग पे चलते हैं, यहाँ पे डायल सेटिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कौन सा डायल आपको रखना है, और यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो, ठीक है, बैक करते हैं, यहाँ पे जनरल का ऑप्शन मिलता है, डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे एक क्लॉक बेड स्टाइल लैम्प, मतलब जब इसको चार्जिंग पे लगाओगे तो लैम्प की तरह यूज़ होगी ये। सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे QR कोड है और रीस्टार्ट फैक्ट्री सेट है। वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप बढ़ा घटा सकते हो यहाँ पे नॉर्मली है गैस, मतलब मैं अगर स्ट्रॉन्ग भी कर रहा हूँ तो नॉर्मल में ही सुनाई दे रहा है, तो ज़्यादा नहीं है, मतलब डो नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है, और मीडिया कंट्रोल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, नाइट ब्राइटनेस मोड यहाँ पे आप कर सकते हो, और टाइम जोन और पासवर्ड भी सेट कर सकते हो यहाँ पे, यस ये अच्छी बात है, यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हो, स्क्रीन ऑफ क्लॉक भी यहाँ पे आप रख सकते हो, पॉइंटर और डिजिटल नंबर यहाँ पे ये भी रख सकते हो, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है इसमें, और यहाँ पे इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, स्पोर्ट्स मोड पे है अभी, तो मैं सपोज यहाँ पे डायल पे रखता हूँ, तो यहाँ पे अब ये डायल होगा इस नंबर से, देखो यहाँ पे सीधे डायल पे पहुँच चुका है, तो ये अच्छी बात है। अब क्यू फिट एप्लीकेशन से इसको पेयर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे लाउडनेस मिलती है और प्रोसीजर क्या रहेगा। सो गाइस फाइनली यहाँ पे वॉच कनेक्ट हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट भी आया है इसका, यहाँ पे ब्लूटूथ वाला ऑन कर देते हैं, फर्मवेयर अपग्रेड आ चुका है, और यहाँ पे हम इसको अपडेट भी कर लेते हैं, क्या पता कुछ इसमें इंटरेस्टिंग हो। तो ये अच्छी बात है, मतलब कॉपी वॉच में भी आज पहली बार मतलब एकदम से ही आपका एक अपडेट आ चुका है, ये कमाल की बात है। तो यहाँ पे अब ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें वॉच में, सो गैस ये रिस्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको टच नहीं करना है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम मतलब वो बैटरी परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब ये ऑन हो जाएगी, ठीक है, तो ये ठीक है, ऑन हो चुकी है, और ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जानी चाहिए वैसे तो मेरे ख्याल से, नहीं होती है तो अनबाइंड करके आपको बाइंड कर लेना दोबारा से, ठीक है। तो हो नहीं रही है फिलहाल, तो हम एक काम करते हैं इसको अनबाइंड करते हैं, ओके आ गई थी एक्चुअली, हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया, आ गया था, तो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे क्विक कॉन्टैक्ट्स को आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, 500 कॉन्टैक्ट्स को आप सेव कर सकते हो, ये अच्छी बात है, ये ब्लूटूथ वाला कनेक्शन आ चुका है। अब गैस यहाँ पे कॉल मिला के देख लेते हैं एक बार, तो कॉल लग जाएगी इसमें, हाँ आ चुका है, डबल ब्लूटूथ चिप के साथ आती है बेसिकली ये। तो काफ़ी लाउड है, ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, ओके इसमें वॉल्यूम भी अप डाउन हो रही है इससे क्राउन की से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ट्रांसफ़र कर सकते हो कॉल को और वापस वॉच पे भी ले सकते हो, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है गाइस, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा डेफिनेटली, यहाँ पे फीचर्स तो अच्छे दिए गए, और फाइंड डिवाइस पे यहाँ पे वॉच वाइब्रेट होने लगती है, और फाइंड डिवाइस पे वॉच आपकी वाइब्रेट होने लगती है, टेक पिक्चर्स, और यहाँ पे मोर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बिजनेस कार्ड आप सेट कर सकते हो इन सब का, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, मतलब अब यहाँ पे मेन जो है अपनी पिक को एज वॉच के साथ रख सकते हो क्या, वो चेक करेंगे अभी फिलहाल, यहाँ पे तो कैमरा शटर मिल जाता है, यहाँ पे वॉच पे चलते हैं, इधर की साइड होगा रिमोट डायल रिट्राई करना है हमको, ओके आ चुके हैं यहाँ पे कैप क्रिएटिव डायल मल्टी फंक्शन क्लासिक, तो टन्स ऑफ यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाते हैं आप लगा सकते हो, यहाँ पे डिजिटल डायल पॉइंटर डायल आप चूज़ कर सकते हो, माई पे चलते हैं यहाँ पे, ओके
तो गैस यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो डायल पॉइंटर चाहिए या और यहाँ पे अपनी पिक को ऐसे वॉच फेस लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं डायलर आपको कौन सा चाहिए, पॉइंटर चाहिए वो वाला चाहिए आप चूज़ कर सकते हो। तो पॉइंटर कर लेते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पे बहुत ही फास्ट जा रहा है डेफिनेटली यहाँ पे, और एकदम से ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके लग चुका है, देखो यहाँ पे पॉइंटर आ चुका है। डिजिटल पे करेंगे तो यहाँ पे डिजिटल आ जाएगा। और इसको मैं चाहूँ तो ऊपर नीचे कर सकता हूँ क्या, इसमें वो ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को एक्चुअली। फेस पे आ रहा है ना टाइम, यहाँ पे टाइम फेस पे आ रहा है, तो इसको हम क्या ऊपर नीचे कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा एक्चुअली। तो ये है गाइज, यहाँ पे आपके पे कैसे वॉचेस लगाते हो। तो गाइज ब्राइटनेस थोड़े से कम लग रहे हैं मेरे को, बट अगेन ठीक है, बट ऑल द वे बेस्ट नहीं है जितना आपको एमोलेड वाले मिलते हैं एच के 9 प्रो में या एच के 8 प्रो जो आपकी आती है उसमें मिलता है। बट अगेन डिस्प्ले क्वालिटी ठीक है इसकी भी। तो गाइज ये सब चीज़ मिल जाती हैं। अभी काम करते हैं, इसको कॉल करके देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम सॉन्ग प्ले करके देखते हैं, यहाँ पे क्या शटर स्पीकर यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। सो यस गाइज, आप इसमें सॉन्ग सुन सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा भी सकते हो, यहाँ से अच्छा खासा लाउड भी है, ऑटो कंट्रोल भी कर सकते हो, प्ले पॉज भी कर सकते हो, ये अच्छी बात है। अब कॉल मिला के देखते हैं दूसरे फ़ोन से। तो गाइज यहाँ पे डेफिनेटली कॉल आ रही है और यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, दैट्स इट, रिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ रिंग बजाना, तो रिंग का ऑप्शन मेरे ख्याल से इसमें नहीं है। मीडिया कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, बट यहाँ पे प्रॉपरली रिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें आपको, ठीक है। अब गाइज इसका वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करके देखते हैं यहाँ पे कितना हैवी है ये वॉच। मेजरिंग स्केल 84 ग्राम्स की है गाइज, बहुत ज़्यादा हैवी है। अभी काम करते हैं, यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन आपको देते हैं आप सभी को इस वॉच का। देखिएगा सिंपल सी बात है, ये वॉच 2500 रुपये में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। क्यों बन जाती है मैं बताता हूँ आप सभी को। फीचर्स अच्छे हैं, यहाँ पे गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, और लाउडनेस भी अच्छी मिलती है, ब्राइटनेस उस पर ठीक है, सिमेट्रिकल बेजल्स है, बड़े डिस्प्ले के साथ आती है, सीरीज वॉच है, अल्ट्रा की कॉपी है, और आपको 5% डिस्काउंट तो और मिल ही रहा है ना, 150 रुपये तक का या 180 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा टेकपोक 5 यूज़ करते हो। तो गाइज डेफिनेटली यहाँ पे वॉच अच्छी है, बट कमी है कि एमोलेड डिस्प्ले होती तो और मज़ा आता, बट अगर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो आपको 1000 रुपये यहाँ पे डालने पड़ेंगे, तो आपको एच के 9 प्रो मिल जाएगी। वैसे ये वॉच भी कमाल की मिलती है, और अगर आपका क्वेरीज वॉच से रिलेटेड या किसी और वॉच के साथ का कंपेरिजन चाहिए तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके भी ना मत जाना, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।